नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित क्रांति। अभी हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पंजाब साइड से, क्योंकि एक साइड किसान डटे हुए हैं, दूसरी साइड हरियाणा पुलिस प्रशासन डटा हुआ है, साथ में मिलिट्री भी डटी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान अभी शांतिपूर्ण तरीके से खड़े, क्योंकि अभी मीटिंग का जो फैसला है वो आना बाकी है। आप चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से किसान यहाँ पे अभी शांतिपूर्ण तरीके से खड़े, क्योंकि इनका जो किसान लीडर है उनके अनुमति की देर है, बस उसके बाद में इनकी तैयारी हो जाएंगी। बाकी हलचल सुबह से यहाँ पे तेज हो चुकी है, किसानों की जो संख्या है वो तेज हो चुकी है। किसान देख सकते हैं आप चारों तरफ एक मेले के टाइप में सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वही चीज़ है, आप पीछे देख सकते हैं, एक बार पीछे दिखाएंगे, पूरा ट्रैक्टरों का मेला है, पूरा ट्रैक्टरों का मेला लगा हुआ है यहाँ पे। करीबन 20 से 25 किलोमीटर हम गए, 20 से 25 किलोमीटर दूर तक गए हुए हैं, वहाँ पे भी ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर लगे हुए, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वीडियो दूर जाकर अपलोड करनी पड़ रही है। आइए दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी भी किसान जुटे हुए हैं। देखिए, एक साइड में किसान है जो पंजाब का एरिया पड़ता है, दूसरी साइड में जो हरियाणा पुलिस प्रशासन है वो डटा हुआ है, और कहीं ना कहीं कुछ युवा साथी आ रहे हैं। देखिए, पूरा क्राउड किसानों का है यहाँ पे, किसान डटे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आइए, नाम क्या आपका? गुरपाल सिंह जी। गुरपाल सिंह जी, आप यहाँ पे अभी आगे की क्या रणनीति है? आगे चलेंगे, किस टाइम करनी तैयारी वगैरह? बस देखो, ज्यादा आगे जा रहे हैं, जो किसान लीडर है उनकी इजाजत के बाद में आप चलेंगे, ठीक है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनजीत सिंह है जी। हाँ जी, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? मनेगी जी, मनना पैना जरूर जी सरकार ने जी, जिस हिसाब का माहौल बनया हुआ किसानों का, मनूगी जरूर जी, नहीं मनना फिर इदा के जथेबंदे का होगा ऑर्डर होगा उदा अभी करोंगे। अच्छा, प्रशासन आपको हरियाणा का रोक रहा है, जाना आपको दिल्ली है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि हरियाणा का प्रशासन आपको क्यों रोक रहा है? हरियाणा के प्रशासन वही मोदी की सरकार के साथ है ना, जो ऑर्डर दे रहे हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं वो। सुबह से यहाँ पे हलचल तेज हो चुकी है, युवा जो है और किसान यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी? रणनीति तो ये है, अभी हम इसको जथेबंदियों में देख रहे हैं वो क्या ऑर्डर देना चाहते हैं, अगर उनका ऑर्डर आया उसके हिसाब से करेंगे हम जो करना है, अभी तो वेट है हमारी, कॉल की वेट है। देखिए, इनका कहना है कि जो किसान लीडर है उनके इंतजार के बाद में आगे बढ़ेंगे, और आगे की जो रणनीति है ये तभी करेंगे, और कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है MSP को लेकर, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसके लेकर अड़े हुए हैं। और ये अब देख सकते कि एक साइड में किसान है और दूसरी साइड में हरियाणा पुलिस प्रशासन डटा हुआ है, प्रशासन भी अपनी शक्ति में खड़ा है पूरा, देख सकते हैं। कैमरामैन एक बार आगे आके दिखाएं कि प्रशासन, देखिए आप आगे क्रॉस हो जाइए, कोई नहीं, इधर उधर से इधर हो जाओ। ये देख सकते हैं किसान अभी शंभू बॉर्डर पर खड़े हुए, एक साइड में किसान है, दूसरे साइड में हरियाणा पुलिस प्रशासन के जवान और भी खड़े हुए हैं। ये शंभू बॉर्डर है, गग्गर नदी के ऊपर जो पड़ता है, ये देख सकते हैं इधर। आइए आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखजिंदर सिंह जी। सुखजिंदर जी, आप यहाँ पे किस तरीके से हैं जी? आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति क्या, सरकार ने मीटिंग दी हुई है, उसके बाद जो भी रणनीति बनेगी उसके बाद चलेंगे। अच्छा, सरकार ने जो मीटिंग दी हुई है, मीटिंग के बाद में जो भी फैसला आएगा उसकी तैयारी बाद में करेंगे? हाँ, उसके बाद ही है, जो भी जथेबंदियों का जो भी हुक्म होएगा उसके हिसाब से। सरकार यदि आपकी बात नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे फिर? सरकार नहीं मानेगी फिर करेंगे, उसके बाद जो भी वो फैसला करेगी उसके बाद वही कार्रवाई होगी। सरकार बात मानेगी या नहीं मानेगी? क्यों नहीं मानेगी, लोकतंत्र का राज है, इधर सरकारें थोड़ी बड़ी, सरकार को आगे भी मानी है सरकार, अभी भी मानेगी सरकार। आप सामने देख सकते हैं हरियाणा पुलिस प्रशासन भी डटा हुआ है, आपको जाना तो दिल्ली है पर हरियाणा प्रशासन आपको क्यों रोक रहे हैं? देखो, उन्हों की ड्यूटी है, जो भी है वो भी हमारे भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं हमारे, पर उनकी ड्यूटी लगी हुई और रुके हैं, उनको सरकार की तरफ से नाल दा आदेश है भी रोको तो रुके, बाकी कोई हमारी उनके साथ पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं किसी के साथ। देखिए, अभी इनकी जो मीटिंग है उसके बाद में जो फैसला आएगा ये तब आगे की तैयारी करेंगे, और भी यहाँ पे काफ़ी किसान हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किस तरीके रण। आइए जानना चाहेंगे, क्या नाम बीर जी आपका? रंजीत सिंह।
क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात मानेगी नहीं मानेगी? मानने के लिए तो खड़े हैं यहाँ पे, मनाने के लिए खड़े हैं। ऐसा आश्वासन तो पिछली बार भी दिया था, फिर नहीं सही हुआ, इसीलिए दोबारा आए हैं। जब काम नहीं होता फिर ही बंदा आता है, पागल थोड़ी ना इतनी दूर से आए हैं। अच्छा, सरकार यदि बात नहीं मानेगी तो आप दिल्ली कूच करके ही रहेंगे हर हाल में? नहीं, ये तो हमारे आगू बताएंगे, किसान लीडर जो आदेश देंगे उसी के अनुसार आप लोग करेंगे। यहाँ पे लेके आने वाले भी वही हैं, अगर वो बोलेंगे आगे जाना आगे चले जाएंगे, अगर बोलेंगे यहीं रहना यहीं रह। देखिए, अभी उस घड़ी का इंतजार है जब किसान लीडर इनको आदेश देंगे कि आगे जाना है या नहीं जाना है, उसके बाद में इनके आगे की तैयारी रहेगी। अभी किसान शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, प्रशासन भी शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा हुआ है। अभी और जानना चाहेंगे यहाँ पे बुजुर्ग, नाम क्या जी आपका? सरजीत सिंह। आगे की क्या रणनीति है, मीटिंग के बाद में क्या रहेगा? उसके अनुसार चलेगा जो भी आदेश आएगा। अच्छा, जो हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान हैं जो अभी घरों के अंदर, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहते हैं जो भी घरों में बैठे हैं वो इतने शंभू बार्डर पर पहुँचना, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है, जितना ही ज़्यादा कट होएगा उतना ही किसानों को फायदा होएगा। देखिए, ये संदेश भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं, अभी शांति का माहौल है, देखते हैं मीटिंग के बाद में क्या रहता है। आइए इधर आ जाइए, चारों तरफ किसान ही किसान, एक साइड में किसान, दूसरे साइड में हरियाणा पुलिस प्रशासन डटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पीछे कई 20 से 25 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, जो ट्रैक्टरों की इंटरनेट सेवा यहां बंद है, हरियाणा के अंदर 7 जिलों के अंदर बंद है, और इधर भी जो पंजाब का एरिया पड़ता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 10 से 5 किलोमीटर दूर तक इंटरनेट सुविधा बिल्कुल ऑफ है, नहीं चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये सामने बोर्ड देख सकते हैं आप, किसान सिर्फ शांति इस करके बनाए हुए हैं क्योंकि अभी मीटिंग का जो फैसला है वो आएगा, उसके बाद में तैयारी करेंगे क्या रणनीति रहती है। अभी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है आपको जनहित क्रांति के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कहीं ना कहीं जो रात में था, रात में हर 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पे गोले छोड़े जा रहे थे, आंसू गैस के गोले, और कई किसान हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए जिसके अंदर की गोलियां भी उनके लगी हुई है, उनके कहने पंजाबी चो सट बजी हुई है कमर चो। आप देख सकते, चारों तरफ दिखाएंगे एक बार, ये देख सकते हैं कि चारों तरफ दिखा सकते हैं कि कुछ वीर जी थे बैठे, किना वीर जी हरजोत सिंह जी, आप युवा है यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे आने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? अपने हक मांगने आए यहाँ पे जी। क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? माननी पड़ेगी उनको जी। सरकार बात नहीं मानती तो फिर आगे का क्या रहेगा? आगे वहाँ पे जाएंगे, मोर्चा लगाएंगे वहाँ पे जाके जी, वहाँ पे दिल्ली जाके जी, दिल्ली जाकर रहेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसके हक अधिकार लेकर मानेंगे जी सर। देखिए, ये युवा है कुछ कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे, सरकार का जो अभी यहाँ से कृषि प्रधान जो है, यहाँ से जो लीडर है, उनके आदेश के बाद में सारे लोग यहाँ से तैयारी करेंगे, बस उनके आदेश का इंतजार है। आइए हम आपको और आगे दिखाते हैं किस तरीके से। जी जी, पूछा वो तो अलग, वो वहां तक जाने नहीं दे रहे, पत्रकार जो है उनको नहीं जाने दे रहे, वो प्रशासनिक लोग हैं, उनको जो आदेश ऊपर से रहेगा उसी के ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौरेगा सरारेगा, जथेदारे चलेंगे। उनसे ही पूछा जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, उनको तो पूछने वाले सरकार के लोग हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रहेगा, कि पूरा यहाँ पे जो जत्था है किसानों का अभी है, पूरा आते रहिए मेरे साथ में। इधर जो देख रहे हैं आप, ये पंजाब साइड का एरिया है, और साथ ही में इधर दिखा देता हूँ मैं आपको। आइए, इधर जो घग्गर नदी है उधर भी किसान और प्रशासन के लोग डटे हुए हैं, कहीं ना कहीं बस इंतजार है उस समय का जब फैसला आएगा किसान लीडरों का, उसके बाद में तैयारी करेंगे। युवा सबसे ज्यादा यहाँ देखे जा रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि साइड से खेतों के अंदर भी किसान जुटे हुए हैं। आइए ये देख सकते हैं, इधर सभी किसान खेतों के अंदर भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, दूर दूर तक किसान ही किसान, एक साइड किसान, हरियाणा साइड में प्रशासन, पंजाब साइड में किसान, अभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, कहीं ना कहीं बहुत सुबह से ज्यादा हलचल हो चुकी है। किसी ने पूछने की कोशिश करेंगे, नाम क्या आपका? सुखविंदर सिंह। आप शंभू बॉर्डर पर किन मांगों को लेकर डटे हुए? MSP दी मांग नू लैके बैठे हां सी, पहला भी आए सी, सरकार मुकर गई साडे नाल वादे करके,
सो दोबारे फिर असी ने संघर्ष बेटिया। आपको जाना तो दिल्ली है पर हरियाणा प्रशासन आपको रास्ता रोक रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? अज साडे लीडरां दी गलबात चल रही है केंद्र सरकार नाल, जो हुक्म करनगे सो असी फिर बार्डर पार करांगे, इन्हां दे बैरीकेडर तोड़ांगे। किसान लीडरों का इंतजार है, उसके बाद में बैरीकेडिंग तोड़ी जाएगी, जो भी उनका फैसला रहेगा उसके बाद में लेंगे। असी दिल्ली जाके रुकांगे, दिल्ली जाके मोदी दी धौन दे जिहड़ा किला उह कढ़ांगे, तां साडियां जाके एमएसपी जिहड़ी सानू मिलूगी। असी संघर्षी योधे हां, सारे पंजाब चो आ रहे हैं, लखां बंदे आ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति करके करा जा रहा है ऐसा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं नहीं, कोई ये कोई राजनीति दिखाओ, ये राजनीति तो सारे ऊपर उठ के लोग आए हुए ना, ये राजनीति वाली कोई गल नहीं हैगी, ये तो एक सरकार की केंद्र सरकार की ज जिहड़ा गोदी मीडिया पत्रकार ने उन्हां दी इह गल्लां बातां ने, ये कोई सारे किसान आए हुए हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि कुछ नहीं है, ये क्या है ये बाबा जी का, क्या नाम है आपका, नाम क्या आपका, ना क्या तोड़ा ऐसी कहना नहीं, कुछ जाओगे मोदी गोदिया बहुत। अरे नहीं नहीं नहीं, गोदी मीडिया नहीं, आप जो दिखा बोलोगे वही दिखाएंगे, गोदी मीडिया नहीं है। ये क्या आपके हाथ में, ये क्या है, ये बाबा है जिहड़ा साडे ऊपर चले है, ये देख सकते हैं कि जो ये इनके हाथ में आंसू गैस के गोले जो चले गए इनके ऊपर, किसानों के हाथ में भी लेके। बाबा जी आप क्या कहना चाहोगे, आपके आपके ऊपर ये क्यों आगे जा रहे हैं, आप तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई। मोदी साढ़े ते जबर कर रहा, साढ़े ते बहुत बहुत ही जबर कर रहा, असी एक किसान अन्नदाता हाँ, तो साढ़े ते क्यों इन्नी विछाड़ पा रहा, की असी इहदा गुनाह किया? पिछली बार भी तो सरकार ने आश्वासन दिया था, क्या लगता है आगे आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? सरकार बात मानेगी तो ठीक है, ना मानेगी तो मोदी भी दिल्ली जाएंगे बैठेंगे। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ये ना जाने क्या है तो बम टाइप का ही आंसू गैस का गोला हो सकता है शायद, ये एक्सपायरी डेट का बताया जा रहा है, एक्सपायरी डेट है इस पे, ये काफी जहरीला है, ये किसानों के ऊपर डाला जा रहा है, और काफी हमने आपको दिखाया था कि जिनके ऊपर गोलियों से प्रहार किया जा रहा है, ये शंभू बॉर्डर की घटना है, शंभू। और कहीं ना कहीं किसान कह रहे कि अभी हमारे लीडरों का जो फैसला था उसके बाद में हम दिल्ली जी जो फैसला आएगा जो किसान लीडर है उसके बाद में आप दिल्ली पे चढ़ा।